हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो है एक हॉल वीडियो। दिस इज फ्रॉम अमेज़न हॉल। ये मेनली स्प्रिंग एंड समर हॉल है। समर आ गई है, सो मैंने कुछ क्लॉथिंग्स बाय किया है समर अकॉर्डिंग, एंड ऑल्सो कुछ फुटवेयर भी है। तो मैंने सोचा आपसे शेयर कर लूँ। बेसिकली ये थोड़ा सा बड़ा होने वाला है ये वीडियो, ये हॉल, बिकॉज बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। एज यूजुअल, अगर इनमें से कोई भी प्रोडक्ट आपको पसंद आती है, सारी प्रोडक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां जाके आप बाई कर सकते हो। ऑल्सो अमेजोन पे फ्रिक्वेंटली सेल चलती है, जैसे कि अभी समर स्प्रिंग सेल भी चल रही है। तो अगर आप यहाँ से प्रोडक्ट बाई करते हो तो ऑब्वियसली आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाएंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स बिगिन। सो दिस आर दी प्रोडक्ट्स गाइज, जो मैं आपसे आज शेयर करूँगी। बहुत सारी है, वन बाई वन मैं आपको दिखाती हूँ। और तो कुछ फुटवेयर्स भी है, नीचे पड़ी है, कुछ क्लॉथिंग्स भी यहाँ पर गिर गई। सो मैं आपको ना एक एक करके दिखाती हूँ। तो जब भी समर की बात आती है तो सबसे पहले क्लॉथिंग दिमाग में आती है, मेरी तो आती है कुर्ती, कॉटन की कुर्ती, ढीला ढाला हल्का फुल्का कुछ। तो मैंने कुछ कुर्ती बाय किया है एंड कुछ सेट्स भी बाय किया है। तो सबसे पहले जो कुर्ती मैंने बाय किया है ना, इस तरह की कलर में है। ऑब्वियसली इसमें आपको कलर ऑप्शन मिलेगी। मैंने सोचा था येलो बाय कर लूँ, बट येलो मेरे पास बहुत सारी कुर्ती है, तो मैंने दिस टाइम ये कलर बाय किया है। बांधनी टाइप का प्रिंट है, बहुत ही हल्का है गाइस, एंड ये सिंगल है। दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड राज नंदिनी। इससे पहले भी मैंने दो तीन कुर्ती बाय किया, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, बहुत ही यू नो हल्का फुल्का है एंड कॉटन की है। समर के लिए काफ़ी कंफर्टेबल होगा। सो दिस इज लाइक दिस, 3/4 इसकी स्लीव है एंड एंकल लेंथ टाइप का है ये। प्राइस मैं मेंशन करती जाऊंगी, एक्चुअल प्राइस एंड डिस्काउंटेड प्राइस, सो बार बार मैं नहीं बताऊंगी कि ये प्राइस है वो प्राइस है। ओके, नेक्स्ट जो है एक नहीं दो तीन सेट्स है, मैं एक आपको दिखाती हूँ। फर्स्ट जो है दिस कुर्ती प्लाजो सेट, एंड ये ना मुझे गाइस बहुत ही पसंद आई है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी कलर, इसकी प्रिंट, इसकी क्वालिटी, एवरीथिंग मुझे बहुत ही पसंद आई है। ये देखिए, हाँ साइज में भी कोई इशू नहीं है गाइस, 4-5 साइजेस आपको इजीली मिल जाएंगे, तो आप कोई भी साइज बाय कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग। ये जो है ना गोश्री की, इसकी भी मैंने प्लाजो सेट भी बाय किया है, काफी अच्छी क्वालिटी का है। एंड गोश्री की का और भी आगे है, मैं आपको दिखाऊंगी। सो ये जो है मेनली सेट है, इसमें प्लाजो एंड दुपट्टा दोनों ही मिल जाएंगे। सो दिस इज जस्ट लाइक दिस, यहाँ पर देखिए डिजाइन है काफी अच्छी, राउंडेड नेक है, प्रिंट मुझे बहुत ही पसंद आई है गाइज। एंड रंग वॉश करने से रंग निकलेगा या नहीं ये मुझे पता नहीं, बिकॉज मैंने अभी तक इसे वॉश नहीं किया है। बाद में बता दूंगी आपको कमेंट पिन करके, ठीक है। इसकी जो दुपट्टा है जस्ट लाइक दिस, दुपट्टा भी काफी बड़ी है एंड ये भी प्योर कॉटन की है, काफी हल्का है। सी गाइस, एंड इसका जो प्लाजो है सेम डिजाइन की ही है, इलास्टिक वाला प्लाजो है इस तरह की। नेक्स्ट जो सेट है ये भी कुर्ता प्लाजो एंड दुपट्टा सेट है, ये रेड कलर में है। इस तरह की कलर एंड इस तरह की डिजाइन प्रिंट मैं पहली बार यूज कर रही हूँ, मतलब मैंने ऑलरेडी इसे पहन लिया, आप देख सकते हो। तो डिजाइन मुझे काफी अच्छी लगी है, 3/4 स्लीव है, अगेन बहुत ही हल्का फुल्का है, समर के लिए परफेक्ट है। एंड मैं मेनली स्कूल के लिए मेरी ये सेट्स बाय किया है। तो दिस इज फ्रॉम द ब्रांड अहिका। अहिका जो है ये फर्स्ट टाइम मैं बाय कर रही हूँ इसकी प्रोडक्ट, एंड ये जो है एक्सेल में है। मेरी सभी जो यहाँ पर साइजेस मैं दिखा रही हूँ आपको एक्सेल में है, आपको डबल एक्सेल तक मिल जाएंगे साइज। सो अगर आप प्लस साइज और डोंट वरी, इसकी प्रिंट कुछ इस तरह की है गाइज, एंड इसके दुपट्टा इज जस्ट लाइक दिस, एंड प्लाजो की डिजाइन कुछ इस तरह की है, ये भी इलास्टिक में है। नेक्स्ट जो है दिस इज फ्रॉम द ब्रांड गोश्री की, ठीक है, ये पिंक कलर में है। एक्चुअली मैंने मेरी सिस की ये देखी थी दिस कलर, मुझे बहुत ही अच्छी लगी तो मैंने मेरे लिए भी बाय कर लिया। सो ये कुछ इस तरह की है गाइज, ये भी ना मतलब कागज टाइप का लगता है मटेरियल, इतना मतलब सॉफ्ट नहीं, इतना हल्का है। तो इसे वॉश करने के बाद ऑब्वियसली
ये सॉफ्ट होगा, इसमें स्टीफनर है ना, तो इस तरह की थोड़ा सा कर रही है, बट काफी अच्छी है गाइज। डिजाइन मुझे बहुत ही अच्छी लगी, मेरी सिस ने इसे पहनी थी तो मुझे वो बहुत ही अच्छी लग रही थी उसे, तो मैंने सोचा कम प्राइस पे मिल रहे हैं तो ये भी बाय कर लूं। अगेन एक्सेल साइज में है एंड डिजाइन इस तरह की है, चिफोन स्लीव में है। इसकी जो लेंथ सभी का ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट एंकल लेंथ तक है, तो मैं अलग से नहीं बता रही हूँ। एंड ये कुछ इस तरह के डिज़ाइन में है। इसकी जो प्लाजो है इसमें नाड़ा भी है प्लस इलास्टिक भी है। इसकी भी डिज़ाइन काफ़ी अच्छी लगी है मुझे। एंड इस तरह की प्लाजो, ये प्लाजो जो है ना थोड़ी सी चौड़ी है, ये देखिए एक्चुअल प्लाजो है ये, तो ये भी काफ़ी अच्छी लगी है मुझे। एंड इसकी जो दुपट्टा है कुछ इस तरह की है, प्लेन दुपट्टा है, शिफॉन की है। नेक्स्ट जो है, मैंने एक शॉर्ट कुर्ती बाय किया मेनली फॉर जीन्स, तो ये इसे पहनने के बाद ना मुझे काइंड ऑफ लड़कों की जो कुर्ता होती है ना उस तरह की लग रही थी, बट ये कुछ इस तरह की है गाइज, ये देखिए। एंड ये जो साइज है ना, मैंने डबल एक्सेल ले लिया, एक्चुअली मुझे एक्सेल लेना था तो मैंने गलती से डबल एक्सेल को बाय कर लिया। ये काफी ढीला ढाला है मेरे लिए, तो मैं एक इसे छोटा साइज बाय कर लूंगी, बट इसके कलर, इसकी डिजाइन, इसकी क्वालिटी मुझे काफी अच्छी लगी है। सो दिस इज जस्ट लाइक दैट। आप अगर यू नो जीन्स के साथ या फिर शॉर्ट कुर्ती बाय करना चाहते हो तो आप ये बाय कर सकते हो, काफी अच्छी है। तो यहाँ पर फ्रंट बटन की डिजाइन है इस तरह की, ठीक है, ये वुडन बटन है। सो नेक्स्ट जो है गाइज, एक मीडी ड्रेस है, मैंने मेरे लिए बाय किया ये। सो ये जो है ना जॉर्जेट का है पूरा मटेरियल, एंड काफ़ी कलरफुल है। यहाँ पर बटन, फ्रंट बटन है, ओपन होती है, सो अगर आप एक न्यू मदर हो तो आपके लिए ये काफ़ी अच्छी होगी ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, आपकी बेबी के लिए। सो ये इस तरह की फ्रंट बटन है, एंड ये मटेरियल जॉर्जेट की है, बट बहुत ही लाइट है। समर में आप अगर कहीं घूमने जा रहे हो, टूर पे हो या फिर ट्रैवलिंग कर रहे हो, तो तब ये काफ़ी अच्छी होगा आपके लिए। काफ़ी कलरफुल भी है, आप देख सकते हैं, ये इस तरह की इसकी जो क्या बोलते हैं स्ट्रिंग काफ़ी बड़ी है, तो आप सामने या फिर पीछे कहीं पर भी इसे टाई कर सकते हो। इसकी प्रिंट मुझे काफ़ी अच्छी लगी है गाइस। अगेन ये काफ़ी सारी साइजेस में अवेलेबल है, मैंने इसे एक्सेल लिया है, स्टिल मेरे लिए लूज है, बट फिर भी इसे मैं साइज को एडजस्ट कर सकती हूँ तो मैंने रख लिया। ये स्मॉल साइजेस में भी है, जैसे कि मेरी बेबी 10 साल की है, मैंने सोचा उसके लिए भी एक बाय कर लूँ, क्योंकि इसकी कलर मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। दिस इज फ्रॉम द ब्रांड प्लस एस, फर्स्ट टाइम है ये प्लस एस का प्रोडक्ट मेरे लिए। नेक्स्ट जो है अगेन एक मीडी ही है, ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, मतलब इससे पहले जो बाइक किया ना उससे भी ये अच्छी लगी। इसकी जो मटेरियल है रेयन की मटेरियल है, तो रेयन गर्मियों के लिए बहुत अच्छी होती है गाइस, काफ़ी कंफर्ट आपको देती है, एट द सेम टाइम काफ़ी हल्का भी होता है। सो ये मतलब एक्स्ट्रा हल्का मुझे लगी है, एक्स्ट्रा लाइट मुझे लगी है। तो इस तरह की इसकी स्लीव की डिज़ाइन है, काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर भी आपको फ्रंट बटन मिलेगी, एंड ये जो फ्रंट बटन है पूरा नीचे तक है, तो इसकी प्रिंट भी काफ़ी अच्छी लगी है, बिकॉज ब्लैक के ऊपर ये पिंक कलर की फ्लावर बहुत अच्छी लग रही है, काफ़ी गॉर्जियस लग रही है। एंड समर के लिए इस तरह की मीडी ड्रेस अगेन मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, ट्रैवलिंग के लिए बहुत ही अच्छी है, टूर के लिए बहुत ही अच्छी है, सो आप ये भी बाय कर सकते हो समर के लिए। This is from the brand R&B. This is also first time from this brand. Next मैंने buy किया है कफ्तान type का cloth. तो ये जो है ना guys, आप यहाँ पर देख लीजिए, ये two part है, अंदर एक inner आपको मिल जाएंगे, ये काफी stretchable है, so अगर आपकी weight थोड़ा ज्यादा है या फिर आप थोड़ा सा चौड़ी हो, कोई बात नहीं, ये आ जाएगी। जैसे मैंने फर्स्ट टाइम जब इसे देखा था ना, मुझे लगा था मेरी बॉडी पे नहीं आएगी, बट ऐसे ही आ गई। बट फिर भी अगर आप मुझसे भी ज्यादा फैटी हो तो कोई बात नहीं, ये आ जाएगी, बिकॉज दिस इज स्ट्रेचेबल एज यू कैन सी। सो ये इनर है, एंड इसके ऊपर आपको ये कफ्तान टाइप का कोट बोल सकते हैं आप, या फिर मीडी ही बोल सकते हैं, ये मिलेगी आपको। ये ट्रांसपेरेंट है, दैट्स वाई आपको अंदर इनर पहननी होगी, एंड इनर इसके साथ दी हुई है। दिस इज जस्ट लाइक दिस,
मैंने इसे बाय किया बीचेस के लिए। इस तरह की ड्रेस काफी अच्छी है गाइस एंड बहुत ही हल्की फुल्की है। इसे भी आप एडजस्ट कर सकते हो, इसकी जो कमर है वहां पर आप स्ट्रिंग दी हुई है उसे आप एडजस्ट कर सकते हो साइज को। एंड ट्रांसपेरेंट है, मैंने आपको बताया, शिफॉन की मटेरियल है, बहुत ही सॉफ्ट है। एंड इसकी जो ब्रांड है ना गाइज, फैश फन बाय सिरीन, एंड इसकी साइज जो है एम साइज मैंने लिया है, तो एम साइज मेरी बॉडी पर आ गई। सो आपकी साइज भी यहाँ से इमेजिन कर सकते हो कि कैसी हो सकती है। सो इसके बाद मैंने अगेन एक टॉप बाय किया है गाइज, राउंडेड नेक टॉप। बट ये टॉप एक्चुअली क्या है मुझे पता नहीं, क्या बोलते हैं इसे, टॉप ही है, बट ये पूरा लॉन्ग टॉप है, एकदम एंकल तक टॉप है ये। एंड इस तरह की साइड में कट है, आगे भी कट है। सो ये जीन्स के साथ, ऑब्वियसली आपको जीन्स के साथ या फिर कोई ट्राउजर के साथ पेयर करना होगा। मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, फर्स्ट टाइम मैंने इस तरह की ड्रेस बाय किया है खुद के लिए। ट्रैवलिंग की टाइम या फिर आप घूमने अगर जा रहे हो तब के लिए ये बहुत ही अच्छी है। सो यहाँ पर जो आगे आपकी क्या बोलते हैं इसे, स्ट्रिंग, आपकी नेक पर एक स्ट्रिंग की डिज़ाइन दी हुई है, 3/4 स्लीव है। मटीरियल जो है रेयन की है, बट बहुत ही सॉफ्ट है एंड लाइट वेट भी है। कलर भी काफ़ी अच्छी लगी है, प्रिंट भी काफ़ी अच्छी लगी है। इसमें आपको काफ़ी सारी साइजेस मिलेगी, डिज़ाइन ऑप्शन भी मिलेगी एंड ऑल्सो कलर ऑप्शन भी मिलेगी। नेक्स्ट कुछ सलवार सूट मटेरियल है, आगे ईद है तो मैंने सोचा कुछ ड्रेस मटेरियल बाय किया जाए, बिकॉज टेलर्स में ना क्या होती है, एक महीने से पहले ही ऑर्डर लेना बंद हो जाती है। तो मैंने दिस टाइम थोड़ा पहले बाय कर लिया ताकि अभी से ऑर्डर दे दूँ एंड ईद से पहले पहले मेरी ड्रेस बन जाए। तो मैंने टोटल 4 ड्रेस मटेरियल लिया है, मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने 2 कॉटन की बाय किया है, दिस इज फ्रॉम द ब्रांड मीरन। तो मीरन की जो सलवार सूट की जो मटेरियल होती है ना, बहुत अच्छी क्वालिटी का होती है। सो दिस इज फर्स्ट, इस तरह के डिजाइन है गाइज, ये बॉडी पार्ट है, ओके, एंड दिस इज द दुपट्टा। मतलब इमेज में आपको जैसी दिख रही है वेबसाइट की इमेज में, बिल्कुल वैसा ही है। सभी जो पार्ट्स है, मतलब बॉटम पार्ट, टॉप पार्ट या फिर जो दुपट्टा है, सभी प्योर कॉटन की है। सो कॉटन मुझे लेना था कुछ मटेरियल्स, तो मैंने ये ले लिया। जैसा इमेज में दिखा रही है वेबसाइट में, बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल भी डिफर नहीं है। तो हाँ, फर्स्ट ये है। सेकेंड जो है गाइज, एक लाइट कलर मैंने लिया है। बहुत पहले मैंने इस तरह की एक डिज़ाइन की पहना था सलवार सूट, तो मैंने बहुत ढूंढा था कि ये छोटी प्रिंट वाला कोई मिल जाए मुझे। फाइनली मुझे मिल गई तो मैंने इसे बाय कर लिया। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम द ब्रांड मीरन। तो ये बॉडी पार्ट है गाइज। बहुत सारी गर्ल्स ये सोचते हैं कि ऑनलाइन अगर ड्रेस मटेरियल बाय करूँ अच्छा होगा या नहीं, सो ये ब्रांड जो है गाइज आप डेफिनेटली बिलीव कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी है। सो दिस इज द बॉडी पार्ट, इस तरह की डिजाइन है। इसकी जो दुपट्टा है सेम डिजाइन की है, बट इस तरह की बॉर्डर है इसकी। दुपट्टा भी काफी अच्छी है, आप देख सकते हैं गाइज कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। एंड इसकी जो बॉटम पार्ट है, पजामा जिससे आप बना सकते हो, दिस काइंड ऑफ है, इस तरह की कलर एंड डिजाइन है। सो दोनों ही ड्रेस मटेरियल गाइज मुझे बहुत ही अच्छी लगी है, दोनों ही प्योर कॉटन की है। नेक्स्ट मैंने जो ड्रेस मटेरियल लिया है, दैट इज चंदेरी मटेरियल है। चंदेरी मटेरियल जो है तो होती है ना गाइज, ये सिल्क भी नहीं, जॉर्जेट भी नहीं, इसके बीच बीच होती है। तो इसमें आपको लाइनिंग करना होता है, लाइनिंग इसमें दी हुई है, आपको अलग से बाय करने की जरूरत नहीं है। एंड दिस इज द पीस गाइज, ये बॉडी पार्ट है, मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। कलर मुझे ना बहुत ही अच्छी लगी है। यहाँ पर फ्रंट है, ये फ्रंट है, ठीक है, यहाँ पर बटन डिजाइन है। सो काफी अच्छी लगी है मुझे गाइस, डिजाइन बहुत ही अच्छी है, ऑफ व्हाइट कलर में है। ये जो कलर है ना, सी ग्रीन कलर है, इसमें आपको बहुत सारी कलर ऑप्शन मिलेगी, जैसे कि पिंक है, येलो है, मुझे ये काफी अच्छी लगी तो मैंने इसे पिक किया। इसके साथ जो दुपट्टा है ये भी काफी अच्छी है, ये देखिए सेम डिजाइन की है। एंड इसकी जो बॉटम पार्ट है ये सिल्क मटेरियल है, आपको देख के लग रहा होगा, चमक रही है ना, तो मटेरियल सिल्क की है। सो दिस इज द थर्ड ड्रेस मटेरियल।
लास्ट जो है गाइस ये मेरी सबसे फेवरेट है, मतलब चारों जो मैंने बाय किया ना कंफर्ट के हिसाब से नहीं बट दिखने में बहुत ही ब्यूटीफुल है, कलर ना बहुत ही अच्छी लगेगी गाइस आपको, ये देखिए। सो ये जॉर्जेट की मटेरियल है गाइस, जॉर्जेट शिफॉन टाइप का, बट लुक एट दिस पीस गाइस, कितनी अच्छी डिजाइन है ना, ये कलर इतनी अट्रैक्टिव है क्या बताऊं, हर मतलब सब पे जचेगी ये कलर। सो डिजाइन यहाँ पर है एंड ऑल्सो पूरा प्लेन है, बाकी नीचे यहाँ पर छोटा छोटा डिजाइन है एंड नीचे यहाँ पर भी डिजाइन है। सो कुछ इस तरह की है गाइज। इमेज देख के मुझे थोड़ा सा डाउट हो रही थी कि अच्छा होगा या नहीं, बट इफ यू बिलीव मी देन यू कैन डेफिनेटली बाई दिस। इसके दुपट्टा कुछ इस तरह की है गाइज, दुपट्टा में भी काफी अच्छी एम्ब्रॉयडरी डिजाइन है, वाओ। एंड इसके जो बॉटम पार्ट है कुछ इस तरह की है, इसमें आपको ऑब्वियसली लाइनिंग करना होगा एंड लाइनिंग की जो मटेरियल है इसके साथ ही है, आपको अलग से बाय करने की जरूरत नहीं है, ये भी सिल्क मटेरियल है ना, काफी अच्छी। इसमें आपको बहुत प्यारी प्यारी कलर्स मिलेगी गाइस। सो यही चार ड्रेस मटेरियल्स थी। अभी मैं सब इतनी ज्यादा फैली हुई है, मैं ढूंढ रही हूँ क्या क्या और बाकी है, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि ये वीडियो लंबी ना हो, तो ढूंढने में काफी वक्त लग गई। और भी तीन क्लॉथिंग है जिसे मैंने ढूंढ ढूंढ के निकाला। सो एक टॉप बाकी रह गई थी गाइज एंड इसे ना ऑलरेडी मैंने मेरी बेबी के लिए बाय किया, ऑलरेडी उसने दो तीन बार पहन लिया तो मुझे मिल नहीं रही थी, जाके मैंने ले आया। ये जो है ना गाइज ये टॉप, दिस इज फ्रॉम द ब्रांड द वैनका, कलर जो है एकदम ऑरेंज कलर में है, आप देख सकते हैं, प्योर कॉटन की है, बहुत ही सॉफ्ट है एंड इसके डिजाइन आपको बहुत अच्छी लगेगी गाइज। मेरी बेबी जो है इस तरह की मैंने स्मॉल साइज में लिया है, इसमें आपको और भी दो कलर्स मिलेगी एंड सबसे अच्छी जो बात है इसकी प्राइस मैं आपको यहाँ पर ऑब्वियसली मेंशन करूंगी, इसकी प्राइस जो है 219 ओनली, कैन यू बिलीव दिस, ओनली 219 रुपीज, यस। सो आप इसे डेफिनेटली बाय करना गाइज, आपको बहुत सारी साइजेस मिल जाएंगे। नेक्स्ट मैंने एक ट्राउजर बाय किया है, ये मेरी बेबी के लिए है, ये 30 कमर में है इस तरह की। मेरी बेबी को इस तरह की जॉगर्स बहुत पसंद है, मतलब वो काफी अच्छी भी दिखती है जॉगर्स में, सो मैंने ये उसके लिए बाय किया है। मटेरियल जो है ना गाइस कॉटन की नहीं है, काइंड ऑफ सिल्क टाइप का है बट बहुत ही स्ट्रेचेबल है एंड समर्स के लिए स्पेशली ट्रेवलिंग के लिए इस तरह की जॉगर्स काफी अच्छी होती है। सो इसमें आपको 3-4 कलर ऑप्शन मिलेगी, साइजेस भी मिलेगी। ये जो है ना 30 कमर में है, इसके साइज 36 तक आपको मिल जाएंगे, सो आप ये भी बाय कर सकते हो समर के लिए। लास्ट जो क्लॉथिंग है गाइज ये एक लॉन्जरी प्रोडक्ट है एंड ये थोड़ी सी एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने बाय किया है, तो मेरी जो साइज है 34 DD मैं बाय करती हूँ। ये जो मैंने ब्रा लिया है ना गाइज इसकी नेम मैं आपको बता देती हूँ, सुपर सपोर्ट फुल कवरेज विथ एन एलिवेटेड बेसिक्स फील हाई कम्फर्ट। तो ये एक्चुअली मिनिमाइजर ब्रा है, जो जिन गर्ल्स की हेवी ब्रेस्ट है उनको ना इस तरह की ब्रा काफी अच्छी होती है, मिनिमाइज भी करती है, अच्छी खासी आपको सपोर्ट भी मिल जाती है एंड आपको कंफर्ट भी देती है। सो मैंने इसी एक्सपेरिमेंट के लिए ये ब्रा बाय किया था, अमेजोन पे मिल रही है, मैंने देखना चाहा कि डुप्लीकेट है या फिर असली है या नहीं, बट गाइज दिस इज अ प्योर प्रोडक्ट है, कोई डुप्लीसिटी नहीं है, आप इसे बाय कर सकते हो एंड ऑल्सो गाइज ये आपको नायका से भी कम प्राइस में मिल रही है अमेजोन से, तो आप डेफिनेटली इसे पिक कर सकते हो, निक्ड बाय नायका। मैंने एक बार इसे यूज किया है, अमेजिंग है क्वालिटी में, जिबामे की जो ब्रा होती है ना उस तरह की इसकी क्वालिटी है, मैं तो कहूंगी उससे भी अच्छी है, मैं कंपैरिजन यहाँ पर नहीं करना चाहती हूँ बट मुझे बोलना पड़ा गाइज, बहुत ही कंफर्टेबल है, स्ट्रेचेबल भी है एंड हेवी ब्रेस्ट के लिए काफी अच्छी मिनिमाइजर फुल सपोर्ट ब्रा है, तो आप ये भी बाय कर सकते हो। ओके फाइनली क्लॉथिंग तो यहाँ पर कंप्लीट होगी, अभी भी 3 फुटवेयर है। सो फर्स्ट जो है गाइज समर एंड स्प्रिंग को ध्यान में रखते हुए, स्प्रिंग तो चली गई ऑलमोस्ट, समर आ गई है, मैंने ये फुटवेयर ये स्लीपर बाय किया है गाइज, दिस इज फ्रॉम द ब्रांड ब्लैक बिटल एंड इस तरह की स्ट्रॉबेरी प्रिंट में है, डिजाइन में है, कलर मुझे बहुत ही ऑसम लगी है, मैंने मेनली मेरे लिए इसे बाय किया था बट मेरी बेबी को ये बहुत पसंद आ गई तो उसने ये ले लिया। बट गाइज ये बहुत ही क्यूट सा स्लीपर है, आप
नॉट ओनली एट योर होम, आप बाहर अगर घूमने जा रहे हो, स्पेशली बीचेस में जा रहे हो, तो ये बहुत अच्छी पेयर होगी गाइज आपके लिए. सो आप डेफिनेटली इसे बाय कर सकते हो. इसमें ना बहुत ही प्यारी प्यारी कलर्स है, लाइक आपको येलो मिलेंगे, स्काई ब्लू मिलेंगे, बहुत ही अट्रैक्टिव कलर्स है. मुझे ये रेड अच्छी लगी तो मैंने इसे पिक किया. मेरी जो साइज है यूके फिक्स, ये आपको डिफरेंट साइजेस में मिल जाएंगे. सो दिस इज द फर्स्ट फुटवेयर. सेकेंड जो है, दिस इज फ्रॉम द ब्रांड दो भाई. इस तरह की है, आवाज तो कैसा लग रही है, बहुत ही हल्का फुल्का है. एंड अंदर जो है मटेरियल जो है ना, मतलब गद्दा टाइप का है, बहुत ही सॉफ्ट है. सो ये साइज थोड़ी सी छोटी होगी, मैंने यूके 6 ही ऑर्डर किया, बट थोड़ी सी छोटी लग रही है. सो अगर आप ये बाई कर रहे हो तो आपकी जो एक्चुअल साइज है उससे एक साइज बड़ा बाई कीजिए. लाइक अगर आपकी यूके 6 है, आप यूके 7 ये बाई कीजिए, ठीक है. सो इसमें भी आपको कलर ऑप्शन मिलेगी. एंड ये भी काफी हल्का फुल्का है, समर के लिए, यू नो, टूर ट्रैवल के लिए भी ये आप बाय कर सकते हो. लास्ट, फाइनली लास्ट आ गई. सो लास्ट जो फुटवेयर है गाइज, ये स्लीपर है, येलो कलर में है. कलर मुझे बहुत ही अच्छी लगी है. दिस इज फ्रॉम द ब्रांड एलिट. साइज जो है 6, यूके 6. सो नॉर्मल सा फुटवेयर है, नॉर्मल सा स्लीपर है, बट काफी कंफर्टेबल है वॉकिंग के लिए, या फिर आप बीचेस में जा रहे हो घूमने के लिए, तब के लिए ये स्लीपर भी अच्छी है. एंड ऑल्सो घर में यूज करने के लिए भी ये स्लीपर काफी अच्छी होगा. इसमें आपको ऑब्वियसली कलर ऑप्शन मिलेगी, एंड ये काफी अफोर्डेबल प्राइस में मुझे मिल गई. सो गाइज, फाइनली मैंने खत्म किया, मतलब मेरी आई थिंक सबसे बड़ी हॉल ये होगी, एंड वीडियो भी काफी लंबी होगी. तो अभी मैं एकदम वक्त बर्बाद नहीं करूंगी. जो भी प्रोडक्ट्स है यहाँ पर, सारी प्रोडक्ट्स की लिंक आपको, इंडिविजुअल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. आप अभी जाओ, जो भी आपको अच्छी लगती है पिक कर सकते हो, बाय कर सकते हो, काफी अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएंगे. एंड समर स्प्रिंग सेल चल रही है अमेजोन पे, तो आपको मतलब ऐसा मौका कम आती है गाइज, जाओ भी बाय कर लो. सो आज के वीडियो के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.